हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको सारा शेयर करने वाली हूँ मीशो फॉर रिव्यू। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप जो है उसे आसानी से देख सको, आपके पास जो है नोटिफिकेशन उसका जो है पहुँच जाएगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट जो है ये इस तरह से मैंने हेयर कर्लर मंगाया है। तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है, इसे मैंने मीशो से मंगाया है। तो इसका जो भी बाइंग कोड होगा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इसका जो रियल टिकन प्राइस होगा आपको यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है, ये उतना जल्दी हीट नहीं होता है बट ठीक है। ठीक, ये जो है आपको हेयर कॉम करने के लिए दिया गया है, और ये हेयर कर्लर है, इस तरह से वायर दिया गया है। ये थोड़ी देर में यहाँ पर जो है ऑन ऑफ का जो है बटन दिया गया है, और जो है इस तरह से आप अपने हेयर ऐसे कर्ल करके आप थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ना होगा, उसके बाद ये वो आप निकाल लीजिए, वो कर्ल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जो मैंने कर्ल किया हुआ है उसका जो पिक होगा मैं यहाँ पर आप लोग को लगा दूंगी, तो हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसका जो पावर थोड़ा कम है, तो अगर आपको जल्दी वाला चाहिए तो पावर जो है ज़्यादा वाला आप लोग को मंगाना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो जो है इस तरह से एक बहुत ही सुंदर सा मैंने ज्वेलरी पीस मंगाया है, ये भी बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल गया है, और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिसीव हुई है। ठीक है, तो ये है आपका मांग टीका, ये यहाँ पर टू पेयर ऑफ इयर रिंग्स सेम है मांग टीका से, और यहाँ पर जो है नेकलेस है। तो मैं वन बाई वन आप लोग को दिखा देती हूँ मुझे ये कैसा कैसा रिसीव हुआ है। फर्स्ट जो है मैं आप लोग को टीका दिखा देती हूँ। तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा इसका रेंज लगा। आप लोग देख रहे हो इसका जो है ये टीका राउंड शेप में है, जो कि अभी फैशन में है ये वाला, और जो इसमें जो कलर आप लोग को मिल जाएंगे, बट यहाँ बीच का सिर्फ कलर चेंज रहेगा, पूरा आपको मोती वगैरह चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये टीका, और नेक्स्ट जो है ये इयररिंग्स है, आप लोग देख रहे हो बहुत ही सुंदर इयररिंग्स है, जिस तरह टीका है उसी तरह जो है इयररिंग्स है, बहुत ही हैवी लुक देगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो आप लोग कुछ इस वेडिंग में कुछ हल्का फुल्का ढूंढ रहे हो ज्वेलरी सेट, तो उसके साथ जा सकते हो। ये तो बहुत ही लाइट वेट है बट पहनने का बहुत ही अच्छा लुक आएगा। इसका जो ट्राई ऑन है मैं आप लोग यहाँ साइड में जो है अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा पहनने के बाद कैसा लगता है। और ये जो देख रहे हो ये आपका गला का आ जाएगा चोकर सेट, सब देख रहे हो साइड साइड से जो है बीट्स है बहुत ही छोटा छोटा सा, और जो है बीच बीच में कुंदन का वर्क है, डायमंड्स नहीं है कुंदन है। ठीक है, इस तरह से देखिए बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया ये वाली साड़ी है, तो इसे मैं आप लोग को अपने जो दिखा देती हूँ। फर्स्ट आप लोग को ब्लाउज दिखा देती हूँ। ब्लाउज जो है 80 सेंटीमीटर का रिसीव हुआ है, यहाँ पर देखिए ये वर्क है। अब आप इसे स्लीव में दो या फिर बॉडी में दे सकते हो, और यहाँ पर जो है आपको प्लेन मिल रहा है, और यहाँ पर वर्क है। ठीक है, धागो का वर्क है, गोल्डन कपड़ा में टफेटा सिल्क जिसका मटेरियल है, 80 सेंटीमीटर का है। और जो ये साड़ी इसका जो भी प्राइस होगा मैं आप लोग यहाँ स्क्रीन पे दे दूंगी। आई थिंक ये 800 की साड़ी है, तो बहुत ही अच्छा लगा ये मुझे, पिक के हिसाब से ये उतना मैच नहीं हो रहा है बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे रख लिया। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक ये पल्ले का साइड है, देखो यहाँ पर आप लोग को वर्क मिल रहा है, धागा का वर्क है, पूरा धागा का ही वर्क है, स्टोन वगैरह नहीं है, देखो ये पूरा गोल्डन धागों से यहाँ पर ये पल्लू का साइड है, इस तरह से आएगा और इस तरह से है, और नीचे की साइड आप लोग को इस तरह से वर्क जो है मिल रहा है। मैं यहीं से दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, कि जो पल्लू का साइड है ये वाला पूरा भरा हुआ वर्क है, देख रहे हो यहाँ तक का। ठीक है, और जो है प्लेट्स में जो है ये पल्लू में ही आएगा ये भी, और प्लेट्स में जो है इस तरह से लहंगे का वर्क दिया गया है, तो वो देख रहे हो पूरी साड़ी में जो आपको तो इस तरह से भरा हुआ वर्क मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा लुक आएगा, बहुत ही हैवी लुक आने वाला है। तो इस बार जो है मैंने वेडिंग कलेक्शन में जो है इतना सा छूटा हुआ ज़्यादा नहीं है, वेडिंग कलेक्शन में जो है मैंने रेड बहुत ही कम रखा है, बहुत ही हल्के फुल्के कलर से मैंने रखा है। तो ये डबल टोन में है, देख रहे हो ये सिल्क कपड़ा में है, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। सो मैंने हल्के में ही रखा हुआ है, क्योंकि जो है बहुत लोग जो है रेड येलो ये सब डार्क कलर पहनते हैं, तो अगर आप कुछ अलग पहनना चाहते हो तो इस साड़ी के साथ जा सकते हो। इस साड़ी के साथ जो ये वाला जो ज्वेलरी मैंने दिखाया है वो भी बहुत ही अच्छा जाएगा।
सो गाइज आपको आज का मेरा ये हॉल रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बताइएगा, और जो वीडियो को जो है आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, शेयर बटन जो है नीचे वहाँ पे दिया रहता है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। सो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।